Hey guys, this is Yashtashir and welcome back to a new and interesting vlog. So guys, I am back with the new full day of eating video, but this time I am going to try keto diet. Guys, now the basic rule of doing keto is ki meko koi bhi carbs and koi bhi sugar consume nahi karna hai pure 24 hours tak, aur meko jo bhi basically energy milegi wo milegi mere fats and mere protein se. तो जो भी मेरे मील रहेंगे वो उसमें 75% फैट रहेगा एंड 25% प्रोटीन रहेगा. एंड कीटो में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आते हैं जब भी मैं खाने की बात करूंगा. तो लेट्स सी व्हाट विल बी द मील नंबर वन. यू कैन सी दिस इज माय मील नंबर वन. ये है बुलेट प्रूफ कॉफी. देन दिस इज द एग व्हाइट ऑमलेट. इसमें मैंने 6 एग व्हाइट यूज किए एंड दिस आर 10 एलिमेंट्स. तो गाइस, बुलेट प्रूफ कॉफी बनाना काफी ज्यादा इजी है. उसमें आपको बस पहला स्टेप है कि आपको ब्लैक कॉफी यूज करनी है जो आप नॉर्मली ब्लैक कॉफी बनाते हो. एक बार आपकी ब्लैक कॉफी जब रेडी हो जाएगी उसमें उसके बाद आपको एक फ्रेश क्रीम ऐड करनी है. फ्रेश क्रीम आप कोई भी ले सकते हो. मैंने अमूल का यूज किया था. एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज आपको उसमें घी ऐड करना है. 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ऑफ घी एज पर योर चॉइस. मैंने उसमें 1 टीस्पून ऑफ घी ऐड किया था. काफी बढ़िया टेस्ट है. बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें कोई जरा भी टेस्ट में मीठा नहीं है, लेकिन इसमें जो बटरी फील आ रहा है वो काफी ज्यादा मजा आएगा आपको पीने में. सो यू कैन चेक इट आउट. अगर आपको चाहिए तो आप एक बार ट्राई करके देखिए. काफी ज्यादा मजा आएगा अगर आप पहली बार बुलेट प्रूफ कॉफी बना के पी रहे हो. आई विल ईट दिस मील एंड मैं आपको मिलूंगा मील नंबर 2 पे. सो गाइज, आई एम जस्ट फिनिश विथ माई लेक्चर और अभी मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि जो फर्स्ट मील था इट वॉज अराउंड 400 कैलोरीज. और मेरा जो हमेशा फर्स्ट मील होता है वो ज़्यादा करके 900 टू 1000 कैलोरी तक जाता है, लेकिन ये मील काफ़ी कम था कैलोरी में. तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है. राइट नाउ इट इज 2 o'clock. अभी मैं जा रहा हूँ टू प्रिपेयर माई मील नंबर 2. सो गाइस, दिस इज माई मील नंबर 2. इसमें दिस इज पनीर भुर्जी. इसमें मैंने टमेटोज ऐड की है एंड उसी के साथ है ये ग्रीक योगर्ट. ये ग्रीक योगर्ट पूरा प्लेन है, इसमें कोई भी फ्लेवर, ये फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट नहीं है. तो गाइस, आप कीटो में नॉर्मल योगर्ट नहीं खा सकते हो क्योंकि इट हैज अराउंड 20 टू 30 कार्ब्स इन इट एंड उसमें काफी ज्यादा कार्ब्स होने की वजह से उसमें मैं उसको कीटो में ऐड नहीं कर सकता हूँ. बट यू कैन ऐड ग्रीक योगर्ट विच आर वेरी लो इन कार्ब्स. अभी 200 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट में रहेंगे अराउंड 10 टू 15 कार्ब्स, विच इज एक्सेप्टेबल इन कीटो. आप जितना ज्यादा लो जा सकते हो कार्ब्स में आपको उतना ज्यादा लो जाना है. सो मैं अपना मील नंबर 2 भी खत्म करूंगा एंड आपसे मिलता हूँ मैं मील नंबर 3 में. राइट नाउ इट इज अराउंड 5:35 एंड टाइम हो चुका है प्री वर्कआउट लेने का. वैसे तो आज कुछ करने के लिए नहीं है क्योंकि आज संडे है, तो मैं रेस्ट करता हूँ संडे के दिन. लेकिन कुछ एक्टिविटी बॉडी को चाहिए, इसलिए मैं कुछ एक शॉर्ट कार्डियो सेशन के लिए जाऊँगा, रनिंग या फिर स्किपिंग के लिए. सो गाइस, प्री वर्कआउट में मेरे पास है ब्लैक कॉफी एंड 10 टू 15 एलिमेंट्स. और जनरली मैं अपने प्री वर्कआउट में एप्पल या बनाना लेता हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से कोई ना कोई फ्रूट ऐड करता हूँ, क्योंकि आई नीड इंस्टेंट सोर्स ऑफ कार्ब्स फॉर वर्कआउट. तो मैं आधे घंटे पहले हमेशा कोई फ्रूट ऐड करता हूँ मेरे प्री वर्कआउट में. लेकिन आज कीटो कर रहा हूँ इसलिए मैंने उसमें एलमंड्स ऐड किए. आप एलमंड्स की जगह पे पीनट्स या काजू बादाम, कोई भी टाइप के नट्स अगर आपके पास अवेलेबल रहेंगे आप ऐड कर सकते हो. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको प्री वर्कआउट में क्या खाना चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है. यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड ब्रांडिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है. मैं प्री वर्कआउट खत्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मील नंबर 4 में. सो गाइस, आई एम डन विद माय वर्कआउट और अभी काफी ज्यादा पसीना आ गया है. मैं हाफ एन आवर के लिए भागने के लिए गया था और अभी टाइम है मील 4 प्रिपेयर करने का. सो गाइस, दिस इज माय मील नंबर 4 और मील नंबर 4 में दिस इज 250 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चिकन एंड उसमें 6 एग वाइट्स का स्क्रैम्बल करके मैंने डाला हुआ है एंड उसके साथ में है सम वेजीज, टमेटोज एंड कुकुम्बर. सो नाउ यू मे वंडरिंग कि मैंने इसमें वेजिटेबल्स क्यों ऐड किए मील नंबर 4 में. इसलिए क्योंकि टमेटोज एंड कुकुम्बर में वाटर का रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है. सो इसलिए मैंने उसको कीटो में ऐड किया है. एंड
एज पर दी कीटो डाइट कि आप उसमें कौन से वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप कीटो में कौन से वेजिटेबल खा सकते हो। ये अभी मेरे घर पे अवेलेबल थे इसलिए मैंने सिर्फ इतने वेजिटेबल्स ऐड किए, एंड जब तक मैं खा रहा हूँ आप तब तक रेसिपी देखिए। सो गाइज आई एम डन विद दी मील नंबर 4 और अभी मेरे टोटल कैलोरीज अराउंड हुए रहेंगे 1500 या 1600। मैं वीडियो के एंड में उसको डिस्प्ले कर दूंगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कीटो कर रहे हो आपको जरा भी कार्ब्स कंज्यूम नहीं करने हैं, अगर आप कार्ब्स खा भी रहे हो तो उसको 20-30 ग्राम्स के ऊपर नहीं लेके जाना है क्योंकि फिर कीटो करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एंड अगर आपको कीटो करके देखना है तो एक बार आप करके देखिए, अगर आप वो पैटर्न से अडेप्ट हो सकते हो कीटो के तो आप जाइए, क्योंकि मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी इज अराउंड 3000। सो मैं 50% कम खाया मेरे पूरे डे के इंटेक से, तो भले ही मेरा प्रोटीन इंटेक और मेरा फैट इंटेक तो हो गया है लेकिन मेरा कार्ब्स का जो इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा कम था। डेली बेसिस पे कीटो तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसल लॉस हो जाएगा कीटो की वजह से। प्रैक्टिकली बात करें क्योंकि एज अ स्टूडेंट कीटो मेरे लिए रोज़ करना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि रोज़ पनीर चिकन एग्स इतना सब कुछ ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसको अगर मैं वीक में डिवाइड करके खा रहा हूँ देन इट इज़ फाइन, बट कीटो पे इतना ध्यान लगता है कि आपको कार्ब्स नहीं खाने, आपको शक्कर नहीं खानी है। कोई पर्टिकुलर सब्जी में ऐसे वेजिटेबल्स रहेंगे जो आपको नहीं खाने चाहिए कीटो में, तो पूरा कीटो का डाइट ख़राब हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें होती है अगर आपको कीटो डाइट करना है। एंड कीटो डाइट पे मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगा क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको जितने मील्स दिखाए दैट वाज जस्ट 50% ऑफ दी मील्स जो मैंने आपको दिखाए एंड उसके प्रिपरेशंस। सो उस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि आपको कीटो किस तरीके से करना चाहिए, कीटो के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हम साइंस बेस्ड रीजंस के बारे में बात करेंगे कीटो उस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर चैनल पर नए हो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताइए कि आप कीटो करेंगे कि नहीं करेंगे फ्यूचर में। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज @IAM_YashKashyap। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन, स्टे फिट स्टे मोटिवेटेड, माय नेम इज यश काशिद, साइनिंग ऑफ। बहकी सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है।